हेलो स्टूडेंट, सो माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये जो वीडियो फोर्थ वीडियो होगा, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन हो रहा है। ये 2007 से 2018 तक के क्वेश्चंस हैं, एडवांस के पेपर्स के। तो आई थिंक हमने 2011 तक कंप्लीट कर लिया है और अब ये 2012 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। तो 2012 का पेपर वन का जो क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए, ट्रांजिशन मेटल के अंदर डी ब्लॉक केमिस्ट्री जो हम स्टडी करते हैं, या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपने कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी किया होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस को कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, दैट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दैट कंपाउंड। और ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के, ये बेसिकली डीडी ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मतलब हम कैसे लर्न करेंगे, हमें कैसे, हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो है किस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो दो सिचुएशन है, आपको कंपाउंड का कलर जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। कंपाउंड के सोल्यूशन का कलर अगर जानते हैं आप, तो बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा होगा। एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको जो है क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा कि ये इस कंपाउंड के सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो क्या होगा। तो ये जैसे सपोज कॉपर सल्फेट को हम जानते हैं कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन को, ये हमने सपोज कोई एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन है हमारे पास में। तो इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम विजिबल लाइट अगर पास कर रहे हैं, कलर्ड सब्सटेंस है ये, तो इसलिए विजिबल रेडिएशन को तो ये एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो कलर ऑब्जर्व एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होगा, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को फाइंड आउट करने के लिए हम कलर व्हील को यूज़ कर सकते हैं। कलर व्हील की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कलर जो होगा वो कौन सा एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे विबग्योर होता है हमारे पास में विजिबल रेडिएशन के अंदर जो कलर्स हैं, तो उसको वॉयलेट, इंडिगो प्लस ब्लू को, जस्ट ये एक मतलब क्वालिटेटिव मेथड है, नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, अपोजिट कलर्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे। अपोजिट कलर्स इन कलर व्हील आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का जो अपोजिट कलर होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो ये हमारे पास में ब्लू कलरेशन के लिए इंडिगो ब्लू। तो रफली हम ये देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर के रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इन चार ऑप्शंस में अगर आप चेक करेंगे तो ऑरेंज कलर के रेडिएशंस, ऑरेंज कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। सो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स ऑरेंज रेड कलर ऑफ लाइट। तो आंसर इसका जो है हमारा ए आना चाहिए, चेक करते हैं, और ये ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पेपर वन से ही है, 2012 के एग्जामिनेशन से। एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर देखिए हमारे पास में कोबाल्ट जो है वो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है और ये कैटायनिक पार्ट का है, तो सिंपल हम मेटल का नेम लिख देंगे अलॉन्ग विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 में होगा, बिकॉज वाटर जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसकी वजह से कोई यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ Cl- जो है काउंटर आइन की तरह काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3 हो जाती है यहाँ पे। तो सभी ऑप्शन के अंदर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो टाइप के लिगेंड है, एक वाटर है दैट इज एक्वा और दूसरा अमोनिया है दैट इज अमाइन। बस इसमें एक हमें पॉइंट ध्यान रखना है कि अमोनिया जो लिगेंड है, अमाइन जो लिगेंड है, उसके नेम में MM आना चाहिए, सिंगल एम वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे एक ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपको सिंगल एम वाला भी नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन जो है वो सिंगल एम वाला भी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये जो है ठीक नहीं है, ये
गलत है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो अमाइन लिगेंड जो होगा वो पहले आएगा और एक्वा लिगेंड जो होगा वो बाद में आएगा। तो सबसे पहले तो डाई अमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड टाइप से नेम हो जाएगा। तो ये डाई अमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये करेक्ट नेम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर डी होना चाहिए, दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व्स इन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सो सोडियम थायोसल्फेट जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव अ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन हैलाइड है उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये कोई भी अगर हमारे पास में एक हाइड्रोजन हैलाइड है, इस हाइड्रोजन हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं, सोल्यूशन फेज में होगा हाइड्रोजन हैलाइड, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, तो एक प्रेसिपिटेट आ रहा है। ऑब्वियसली ये जो प्रेसिपिटेट होगा वो इस सिल्वर हैलाइड का ही होगा। तो यहाँ पे ये AgX का प्रेसिपिटेट बन गया है। नाउ ये जो AgX का प्रेसिपिटेट है, एज पर द क्वेश्चन, डिसॉल्व इन सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम थायोसल्फेट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये जो थायोसल्फेट आयन है वो एक लिगेंड का भी काम करेगा। एक पहले इसके अंदर सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये प्रेसिपिटेट हमारे पास में सिल्वर थायोसल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा। ये इनसॉल्युबल होता है और ये जो सिल्वर थायोसल्फेट है फिर वो इस एक्सेस अमाउंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। एक्सेस सोडियम थायोसल्फेट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और ये आपको पता है कि इसका डिसॉल्यूशन जो होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक वेल नोन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास में जो हैलाइड है वो क्या क्या हो सकता है। तो ये हैलाइड जो है वो फ्लोराइड हो सकता है, ये क्लोराइड हो सकता है, ये ब्रोमाइड हो सकता है और ये आयोडाइड हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में जो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हो सकता है। नाउ रिमेंबर, सिल्वर फ्लोराइड्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ द फ्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका मतलब है सिल्वर का फ्लोराइड जो है वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आयोनिक टाइप का भी होगा ये, ठीक है। और सिल्वर फ्लोराइड के रेस्पेक्ट में अगर हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड को अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कोवलेंट टाइप के होंगे। फजांस रूल के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो कि फ्लोराइड्स आर मोर आयोनिक एंड अदर्स आर लेस आयोनिक, तो इसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी। बट ऑल द सिल्वर सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए थायोसल्फेटो कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि HCl जो है, AgCl, ये तो बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे आप सोच रहे हो भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। जो हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का जो एक सिंपल केमिकल टेस्ट है उस पर बेस्ड है और सिल्वर की जो केमिस्ट्री है उस पर बेस्ड है, तो दो को कंबाइन करके यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर अगर हम चेक करेंगे तो ए आंसर आएगा, AgCl बनेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा, सी के अंदर AgBr बनेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा और डी के अंदर AgI बनेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर इसका ए, सी और डी होना चाहिए और ये ए, सी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और ये हमारे पास में अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए डी, इसी 2012 के पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल की जो केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दो क्वेश्चन पहले आ गए थे और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया था। एक वो कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन और फिर ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के जो हैलाइड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है और एक ये एक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज पर क्वेश्चन एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करेगा। नाउ द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ निकल 2+ इन द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक स्टेट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये
प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया होगा कि निकल 2 प्लस की जो केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकल 2 प्लस स्टेट के अंदर जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन D8 होगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है अगर आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप पेयर भी कर सकते हो, और जो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसके पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। तो ये निकल 2 प्लस स्टेट में, 2 प्लस स्टेट में जो निकल होगा वो D8 होगा। इस D8 का अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है निकल का वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl- लिगेंड के साथ बने हुए, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये हमारे पास में मतलब डाई इथाइल फिनाइल फॉस्फिन के साथ बना हुआ है। तो D8 कॉन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में अगर हमारे पास में ये इस टाइप का D8 कॉन्फिग्रेशन है। अब इसके अंदर अगर आप पेयरिंग अगर करा देते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम देख रहे हैं, पेयरिंग अगर हम करा देते हैं तो पेयरिंग ये इस टाइप से हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये जो है इस टाइप की सिचुएशन अगर होगी तो ये तो डायमैग्नेटिक आ जाएगा, और इस टाइप की सिचुएशन में अगर ये रहेगा तो फिर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन में अगर रहता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 होगी, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है निकल आयन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस टाइप का अगर हो जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो dsp2 होगा और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो निकल के कॉम्प्लेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर बेस्ड अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, सो यू हैव टू रिमेंबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, और लिगेंड्स की नेचर जो है वो यहाँ पे देखिए, जो फिनाइल डाई इथाइल फिनाइल फॉस्फिन जो लिगेंड है ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ टाइप का हो गया है। यहाँ पे सारे अगर इथाइल ग्रुप होते तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड टाइप का होता, बट यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप आ गया है यहाँ पे। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म आ गया है, तो टेम्परेचर का अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर होगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो क्लियरली यहाँ पे और कुछ बहुत ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं करना चाहता एग्जामिनर, वो जस्ट ये चेक करना चाहता है कि निकल 2 प्लस स्टेट में अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, और 2 प्लस स्टेट में अगर डायमैग्नेटिक है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ईजी, अगर पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, दैट इज टेट्राहेड्रल, और डायमैग्नेटिक अगर है तो इसका मतलब है कि dsp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो इसका आंसर हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक के केस में टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक के केस में स्क्वायर प्लेनर, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड आर, ये किसी प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे सिल्वर जो है वो अर्जेंटाइट ओर जो सिल्वर का होता है सल्फाइड ओर ही होता है, लेकिन उसके अंदर हम रोस्टिंग नहीं करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन भी उसके अंदर नहीं होता है, डिफरेंट तरीका होता है सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का। सेम प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम इट्स नेटिव फॉर्म नेटिव ओर। तो सिल्वर जो है यहाँ पे अर्जेंटाइट ओर के अंदर कंबाइंड फॉर्म में ही है और वो सल्फाइड की फॉर्म में है यहाँ पे, लेकिन इसको हमें ऑक्सीडाइज करना होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ करना है, यहाँ पे सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए बेसिकली यूज़ हो रहा है। नेटिव फॉर्म में भी अगर होगा तो भी सिल्वर को थोड़ा ऑक्सीडाइज करके सोल्यूशन फॉर्म में लेकर के आना होगा हमें, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एक एक्टिव मेटल हम लेते हैं, और मोस्ट ईजीली यूज्ड एक्टिव मेटल जो होता है एक्सट्रैक्शन के अंदर वो जिंक हम प्रेफर करते हैं या फिर एल्यूमिनियम लेते हैं, बट ऑप्शन के अंदर हमारे पास में यहाँ पे जिंक ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो ऑक्सीजन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो जिंक हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फरस विथ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड gives phosphine along with another phosphorus containing compound. The reaction type, the oxidation state of phosphorus in phosphine and the other compounds are respectively. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, ये पहले भी आया हुआ है,
ठीक है. तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन की फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है. तो इसका अलग कंटेंट आपका वही है, एनसीईआरटी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, उसका जो यूज़ होगा क्वेश्चन में, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हर बार होता रहेगा. सो वाइट फॉस्फरस, यू नो दैट ये पी फोर होगा, और इस वाइट फॉस्फरस को एल्कली में अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और डिस्प्रपोर्शनेट होकर के ये पी एच थ्री फॉस्फीन बन जाता है यहाँ पे, और एक अनोदर फॉस्फरस कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये आप जानते हैं कि अनोदर फॉस्फरस कंटेनिंग कंपाउंड जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपो फॉस्फरस एसिड होता है. सो NaH2PO2. तो ये जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे पी पी बॉन्ड ओपन अप हो जाएंगे और चार पी एटम फ्री हो जाएंगे, और एक पी एटम जो होगा वो तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बाकी के जो तीन पी एटम्स हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा. ठीक है, तो इसका मतलब तीन फॉस्फरस जो हैं वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे, और एक फॉस्फरस जो होगा वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा. प्लस फाइव में इतना नहीं जा सकता फॉस्फरस, तो यहाँ पे ये फॉस्फरस हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये फॉस्फरस माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और ये फॉस्फरस जो है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा. अब इसको हम बैलेंस अगर करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास में जो है तीन फॉस्फरस के एटम जो है ऑक्सीडाइज हो गए, वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारे पास में सारा का सारा यहीं से आ रहा है. सो थ्री एंड थ्री सिक्स ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन नाइन नजर आने चाहिए यहाँ पे. तो थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री, ये बैलेंस रिएक्शन होगी. तो अब इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये एक बेसिकली डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और हम कह सकते हैं डिसप्रपोर्शनेशन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन टाइप, रिएक्शन टाइप इज रिडॉक्स रिएक्शन और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फरस इन फॉस्फीन एंड अदर प्रोडक्ट, तो फॉस्फीन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री है, और अदर प्रोडक्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फरस की वो प्लस वन है. सो रिडॉक्स रिएक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन कुछ भी कह सकते हैं. तो देखिए ऑप्शन कह रहा है हमारा कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, माइनस थ्री एंड माइनस फाइव तो पॉसिबल नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन है, प्लस थ्री एंड प्लस फाइव भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, माइनस थ्री एंड प्लस फाइव भी पॉसिबल नहीं है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, माइनस थ्री एंड प्लस थ्री भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. तो इस क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट ये वेल नॉन, मतलब ये वेल नॉन रिएक्शन है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ स्किप कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, कुछ और प्रोडक्ट बन रहा होगा, नहीं कुछ नहीं बन सकता यहाँ पे. ये जो हाइपो फॉस्फोरस एसिड है सॉल्ट की फॉर्म में स्टेबल होगा, अनलेस एंड अनटिल ये एसिडिक मीडियम में अगर आएगा देन इट कैन फर्दर डिसप्रपोर्शनेट, बट एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो सॉल्ट है ये डिसप्रपोर्शनेट नहीं होगा. एसिडिक मीडियम के अंदर ये डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है, सपोज, ठीक है, सपोज अगर ये हमारे पास में H3PO2 अगर होता तो H3PO2 फर्दर डिसप्रपोर्शनेट होकर के PH3 एंड H3PO3 बन सकता था. उस केस में हम कह सकते हैं कि ये माइनस थ्री और ये प्लस थ्री की स्टेट में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो सॉल्ट है, मैं यहाँ पे एसिड की बात कर रहा हूँ, एसिड जो है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, सॉल्ट जो है इसका डिसप्रपोर्शनेट नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं करना होगा, क्यों, बिकॉज दिस वन इज द सॉल्ट नॉट एन एसिड, वो सॉल्ट है और ये एसिड है, एसिड कैन फर्दर डिसप्रपोर्शनेट, बट ये जो सॉल्ट है वो फर्दर डिसप्रपोर्शनेट नहीं होगा, तो ये यहीं पे रहेगा, हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, ऐसा कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं आएगा. आप कुछ बुक्स को देखोगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा सोच करके आंसर बना दिया गया होगा, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होगा. क्लियर है यहाँ पे कि PH3 के अंदर जो है माइनस थ्री में रहेगा, और ये जो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है इसके अंदर ये फॉस्फरस प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. तो हम चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर जो है इसका क्या कहता है. तो मेरे हिसाब से कोई भी इसमें करेक्ट ऑफिशियल आंसर नहीं है. सो जीरो मार्क्स टू ऑल, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को फ्रेम करते समय कुछ एरर हो गई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है सबके लिए कैंसिल हो गया, मार्क्स जीरो मार्क्स टू ऑल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में जिनॉन की केमिस्ट्री पर बेस्ड, और ये क्वेश्चन कह रहा है द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल इज. तो देखिए जिनॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जिनॉन के पास में ऑलरेडी फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और
एक्साइटेशन से इसमें से कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और फिर वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गए होंगे, और दो फ्लोरीन है तो इनके साथ सिंगल बॉन्ड बन गया होगा। तो इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर हम देखेंगे तो सिक्स बॉन्ड्स बन गए, और सिक्स बॉन्ड्स के लिए सिक्स इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो गए होंगे। ठीक है, टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स थे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड अप हो गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मैं स्ट्रक्चर बनाने के तरीके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे तो जस्ट हम जो है देख रहे हैं कि हमने जो जो स्टडी किया उसमें से क्या क्या आ रहा है क्या नहीं। तो ये इसका हमारे पास में एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि ज़ीनॉन के पास जो है फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का एक्साइटेशन होकर के ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ यूज्ड अप हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी ऑक्सीजन के साथ यूज्ड अप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो फ्लोरीन के साथ यूज्ड अप हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रह गया इसके लिए यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप एक लोन पेयर आ गया। तो ये हमारे पास में जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, इसमें एक यूनिक पोजीशन हमें असाइन करनी होती है लोन पेयर को, और वो लोन पेयर हम प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो भी हम प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। तो आपको अब अपने कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं कि इसका क्या शेप होगा। तो यहाँ पे शेप हमें ट्राइगोनल बायपिरामिडल नज़र नहीं आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर भी नज़र नहीं आ रहा है, टेट्राइडल भी नज़र नहीं आ रहा है, सी सॉ शेप जो है यूनिक शेप है, इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राइडल शेप भी कह सकते हैं, इसको हम फोल्डेड स्क्वायर इन शेप भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो है डी आंसर करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये पैराग्राफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल and used in several household products. The effectiveness of bleach solution is often measured by iodometry. तो ये जस्ट मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच सोल्यूशंस, और उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है किसी ब्लीच सोल्यूशन का वो कैसे मेजर करते हैं वो बता दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट इस पैराग्राफ को हम स्किप कर सकते हैं, इस पैराग्राफ में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज अप होगी। ओके, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, द एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक डबल सॉल्ट टाइप का है, और इसका जो एग्जैक्ट कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड का वन पार्ट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का वन पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर होता है, और डॉट टू एच टू ओ, ये एग्जैक्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। और हम क्लोरीन को एक्सेस ऑफ स्लैक लाइम के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब इसके अंदर जो है ये कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स ए सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास में सॉल्ट है ये ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट के अंदर जो ऑक्सो एसिड है वो कौन सा है अगर हम चेक करते हैं तो इस सॉल्ट को हम आयोनाइज कर लेते हैं, तो ये कैल्शियम आयन मिलेगा हमें, और यहाँ पे दो आयन जो है वो हाइपोक्लोराइट आयन के मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास में एनाइन है, ठीक है, इसके पास जितना भी माइनस चार्ज है उतने एच प्लस आयन इस पर प्लेस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस ऑक्सो एसिड का ये जो है वो सोर्स होगा। तो ऑक्सो एसिड हो गया हमारे पास में ये हाइपोक्लोरस, हमने ऑक्सो एसिड्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज, तो किसी भी ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उस ऑक्सो एसिड के दो मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव कर देना है, दो मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर रिमूव कर देते हैं तो ये सिंपल सा है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहते हैं डिहाइड्रेशन जो होता है एल्कोहल टाइप के कंपाउंड्स का डिहाइड्रेशन होता है तो ईथर टाइप बन जाता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप से वाटर निकल जाएगा और ये CLOCl प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्लोरीन का एक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। सो एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सो एसिड इज Cl2A। सो ये आंसर भी हमारा Cl2A आ गया। इसी पैराग्राफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन और होगा, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्या है।
Now, ये क्वेश्चन कह रहा है 25 ml of household bleach solution was mixed with 30 ml of 0.50 molar KI and 10 ml of 4 normal acetic acid. In the titration of the liberated iodine, 48 ml of 0.25 normal sodium thiosulfate was used to reach the end point. The molarity of the household bleach solution is. तो यहाँ पे ये जो हमारा household bleach है, इसकी molarity क्या होगी, हमें ये find out करना है. तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारे पास में ये ब्लीच का सॉल्यूशन है, ब्लीच सॉल्यूशन, इस ब्लीच सॉल्यूशन को हमने 25 ml इस ब्लीच सॉल्यूशन को ले लिया है. अब इस 25 ml ब्लीच सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर लिया है 30 ml 0.50 मोलर KI सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया हमने, एंड 10 ml ऑफ 4 नॉर्मल एसिटिक एसिड, 10 ml ऑफ 4 नॉर्मल एसिटिक एसिड. नाउ इन द टाइट्रेशन ऑफ द लिबरेटेड आयोडीन, अब यहां पे एज पर क्वेश्चन आयोडीन जो है वो लिबरेट हो गया है. नाउ अब ये जो लिबरेटेड आयोडीन है, रिक्वायर्ड 48 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन. टू रीच द एंड पॉइंट. तो देखिए ये जो है यहाँ पे एक वेल नॉन इन्फॉर्मेशन आ गई आपको, रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक रिएक्शन आपको बताई जाती है आयोडीमेट्री. ठीक है, और ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री. पहले आयोडीन लिबरेट हो रहा है और फिर लिबरेटेड आयोडीन को हम ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज आयोडोमेट्री. तो ये पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ के अंदर ये एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन इज ऑफन मेजर्ड बाय आयोडोमेट्री. तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या सिचुएशन आएगी. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास में के आई है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. यहाँ से नज़र में आ रहा है कि आयोडीन लिबरेट हो रही है तो किसी ने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा. एसिटिक एसिड जो है वो जस्ट मतलब एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए होगा. ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही होगी, क्योंकि आयोडाइड का ऑक्सीडेशन अलग अलग मीडियम में हो सकता है, बट आयोडाइड का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में अगर हम कराएंगे तभी आयोडीन जनरेट होगा. अदरवाइज एल्कलाइन मीडियम के अंदर जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है. सो फॉर एसिडिक मीडियम एसिटिक एसिड ही हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम लेंगे, और कोई एसिडिक मीडियम की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे HCl अगर हम लेते हैं, HI लेते हैं या HBr अगर लेते हैं तो वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है किसी और के साथ में. दीज आर ऑल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट, मे ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज इन केस ऑफ HCl. H2SO4 इज ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसलिए उन सबको हम अवॉइड करके एसिटिक एसिड को यूज़ करेंगे. और यहाँ पे ये जो ब्लीच का जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर जो है हमारे पास में ये कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सोल्यूशन रहेगा. अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम देखेंगे तो इसमें से सिर्फ यही हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल सी हमारे पास में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में CaOCl2 है, ये KI के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक तो आयोडीन जनरेट हो जाएगा, और ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे कैल्शियम का एसिटेट बन जाएगा एंड पोटेशियम का जो है वो एसिटेट बन जाएगा. क्लोरीन भी यहाँ पे है हमारे पास में तो पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा यहाँ पे. कैल्शियम का एसिटेट जो है इनसॉल्यूबल है, प्रेसिपिटेट आउट होकर के बाहर निकल जाएगा. क्लोराइड भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कितना काउंटर आयन है हमारे पास में. ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सो प्लीज़
So CaOCl whole twice plus Ki plus acetic acid gives I2 plus calcium acetate plus potassium chloride. और यहाँ पर जो है water भी हम mention कर सकते हैं. तो देखिए ये जो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जो आयोडीन है वो माइनस वन स्टेट से जीरो स्टेट में जा रहा है और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन है वो प्लस वन स्टेट से माइनस वन स्टेट में जा रहा है. तो इसका मतलब है यहाँ पे दो मोल इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है पर पार्टिकल. अगर आपको ये आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे CaOCl2 भी ले सकते हो, जो ब्लीचिंग पाउडर का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको भी लेकर के आप रिएक्शन करा सकते हो कि ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला ले लिया, इसका Ki आ गया और ये CH3COOH हो जाएगा. ठीक है, कई सारे इसमें तरीके होंगे. तो आइडिया ये है कि यहाँ पे पहले क्लोरीन सेपरेट होगा इसके अंदर और क्लोरीन सेपरेट होकर के फिर वो Ki के साथ रिएक्ट करेगा और Ki से फिर I2 का लिब्रेशन होगा. तो इसको भी लेकर के आप ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास में जो CaOCl2 है, ठीक है, एक्वस फेज के अंदर रिएक्शन हो रही होगी, इस एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पे, तो ये इसकी प्रेजेंस में एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. मतलब मैकेनिज्म वाइज अगर आप खुद सोचना चाहते हो तो मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये बन गया हमारा कैल्शियम एसिटेट और ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया और ये क्लोरीन जो है यहाँ पे लिब्रेट हो गया. तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास में कैल्शियम एसिटेट आ गया, 2H+ आयन आ गए, एक वाटर रिलीज हो गया और एक क्लोरीन आ गया. ये रिएक्शन कम्प्लीटली जो है बैलेंस हो गई. अब जो Cl2 प्रोड्यूस हो गया है ये Cl2 Ki के साथ रिएक्ट करेगा और KCl प्लस I2 बन जाएगा, KCl प्लस I2. और फिर जो I2 प्रोड्यूस हुआ है वो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करेगा. ये वेल नॉन रिएक्शन है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है. सो ये Na2S4O6 प्लस NaI का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, इसके हम दो मोल्स ले लेंगे इसके लिए. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये जो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम थायोसल्फेट का एन फैक्टर अगर आप इस रिएक्शन के अंदर अगर देखेंगे तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा. तो इसकी जो मोलैरिटी है वो इसकी नॉर्मेलिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है. तो यहाँ से हम इसके मोल्स निकालेंगे, इसके जितने भी मोल्स होंगे उसका हाफ मोल्स आयोडीन के प्रोड्यूस होंगे, आयोडीन के जितने भी मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उतने ही मोल्स जो है क्लोरीन के रहेंगे और जितने भी मोल्स क्लोरीन के रहे होंगे उतने ही मोल्स जो है वो इस हाउस होल्ड ब्लीच के अंदर जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है उसके मोल्स रहे होंगे. और वॉल्यूम आपका इसके है आपके पास में तो आप इसकी मोलैरिटी क्या होगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी मोलैरिटी क्या होगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है. तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ Na2S2O3 यूज्ड. तो ये इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो 48 ml है. सो 48 बाई 1000 इंटू 0.25 इंटू 1, ये इसका वैलेंसी फैक्टर है, ये इसका एन फैक्टर है क्योंकि इसके दो मोल के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा. आप एक्सचेंज काउंट कर सकते हो. देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास में जो दो सल्फर है इन दो सल्फर पर जो चार्ज है वो प्लस 4 चार्ज है, दो सल्फर पर चार्ज है, टोटल सल्फर पर जो चार्ज है ये प्लस 4 यहाँ आ गया, प्लस 2 यहाँ आ गया, प्लस 6 हो गया, तो तीन ऑक्सीजन पे माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है. तो दो एक के अंदर दो सल्फर है तो यहाँ पे प्लस दो सल्फर पे प्लस 4 है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ये जो है प्लस 8 चार्ज हो जाएगा 4 सल्फर के लिए, सॉरी ये 12 है तो प्लस 10 हो जाएगा 4 सल्फर के लिए, ये प्लस 10 हो जाएगा, O6 है तो माइनस 12 हो गया, ये प्लस 10 हो गया 4 सल्फर पर और ये प्लस 2 हो गया तो प्लस 12 आ जाएगा. ये 4 सल्फर के लिए अगर प्लस 10 है तो 2 सल्फर के लिए अगर हम देखेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा. तो इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है तो दो मोल के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा और एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ द सब्सटेंस. तो मोल्स ऑफ Na2S2O3 यूज्ड आ गया. अब हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ I2 फॉर्म्ड. तो जितने मोल्स इसके यूज्ड हो रहे हैं
उसका हाफ जो है आयोडीन के मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोल्स ऑफ सीएल टू फॉर्म्ड तो जितने भी मोल्स आई टू के हैं उतने ही मोल्स क्लोरीन के फॉर्म हुए होंगे. सो हाफ ऑफ 48 बाय 1000 इंटू 0.25 इंटू 1 और जितने भी मोल्स क्लोरीन के प्रोड्यूस हुए होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पे ब्लीच के रहे होंगे. सो मोल्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट आर आल्सो हाफ ऑफ 48 बाय 1000 इंटू 0.25 इंटू 1 हो जाएगा ये हमारे पास में. अब हम निकाल लेते हैं यहां पे मोलैरिटी ऑफ ब्लीचिंग एजेंट. तो ये मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा. तो हाफ ऑफ 48 बाय 1000 0.25 इंटू 1 25 ml वॉल्यूम है हाउसहोल्ड ब्लीच सॉल्यूशन का. तो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं. तो ये 1000 हमारा चला गया ठीक है और ये आ जाएगा 24 और ये हमारे पास में हमने 100 कर दिया और ये आ गया 100 कर दिया हमने और 25 कैंसिल हो गया. तो सिंपल सा जो हमारे पास में आंसर जो यहाँ पर आ रहा है कुछ कैलकुलेशन में सॉरी 100 होगा ना ये 25 हमने कैंसिल कर दिया 100 होगा तो 0.24 मोलर. सो ये जो ब्लीच है 0.24 मोलर सॉल्यूशन होगा. आंसर चेक कर लेते हैं ये सी हमारा आंसर है 0.24 मोलर इज द मोलैरिटी ऑफ ब्लीचिंग सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ गया और 2012 का पेपर 2 चल रहा है ये. फॉर द गिवन एक्वस रिएक्शंस विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ KI ले लिया हमने और उसको पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्ट करा दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में. एक ब्राउनिश येलो सोल्यूशन बन गया है. इस ब्राउनिश येलो सोल्यूशन के अंदर हमने जिंक सल्फेट ऐड कर दिया है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया और ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट आ गया. इस ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया है तो कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया है. तो अब क्या है फर्स्ट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. व्हाइट प्रेसिपिटेट इज दिस. एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार्च सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर. व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम भी एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ये फेरिक आयोडाइड का एक सॉल्यूशन है सॉरी एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है और उसको फेरिक थायोसाइनाइड के साथ मिक्स किया जा रहा है. सो दिस इज KI और KI जो है वो एक्सेस में इट इज मिक्स्ड विथ K3FeCN6 सॉल्यूशन के साथ. तो यहां पे ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया. इस ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन को हमने ट्रीट किया है जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ. तो एक वाइट प्रेसिपिटेट प्लस ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट तो यहाँ पे एक तो ये फिल्ट्रेट ऑप्टेंड हुआ है और एक ये प्रेसिपिटेट ऑप्टेंड हुआ है. तो इसका मतलब है यहाँ पे वेरियस टाइप की स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है और ये ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट को हमने सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करा दिया तो कलरलेस सॉल्यूशन
ऑब्टेन हो रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए ये जो हमारे पास में स्टार्टिंग कंपाउंड है इसमें आयरन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और ये आयोडाइड है इसमें आयोडीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड रिमेंबर आयोडाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये जो हमारे पास में आयरन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, बिकॉज फेरिक सॉल्ट्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एंड कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय सल्फाइड एंड आयोडाइड्स। फेरिक कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय सल्फाइड एंड आयोडाइड। ये फेरिक क्लोराइड को हम लेते हैं H2S गैस पास करते हैं तो वो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट वही आइडिया यहाँ पे एग्जामिनर ने यूज़ किया है कि सल्फाइड अगर फेरिक को रिड्यूस कर सकता है तो आयोडाइड भी कर देगा, बिकॉज आयोडाइड्स आर इवन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सल्फाइड। तो ये यहाँ पे जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वो आयोडीन तक ऑक्सीडाइज होता है, एल्कलाइन मीडियम में अगर हम करेंगे तो वो जो है वो और आगे स्टेज तक जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारा काम दाम जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, ये एक्सेस में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन होगा इसके अंदर KI रहेगा ही रहेगा और आयोडीन प्रोड्यूस हो चुका है, KI रहेगा और आयोडीन प्रोड्यूस हो चुका है और इसका रिडक्शन हो गया है। इसके रिडक्शन से जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो K4FeCN6 बन जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये KI प्लस I2 जो होगा दैट रिमेन इन सॉल्यूशन एज KI3 और ये KI3 जो होगा वो सोल्यूबल होगा। अब आपने जिंक सल्फेट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जिंक का ट्राई आयोडाइड बन जाएगा लेकिन वो सोल्यूबल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ पे जो है वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा Zn2FeCN6, ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है जिंक फेरोसाइनाइड का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट जो होगा वो KI का सॉल्यूशन रहेगा, आयोडीन और KI का जो सॉल्यूशन होगा तो KI3 सोल्यूबल फॉर्म में ही रहेगा। और यहां पे जस्ट ये जो KI3 है, रिमेंबर KI3 इज बेसिकली I2 डिजॉल्व इन KI सोल्यूशन। Iodine cannot be dissolved in water in greater quantity. So if we want to dissolve higher amount of iodine in water, then we have to dissolve iodine in presence of KI. So this dissolved iodine in water in presence of KI remain as KI3. So ye KI3 jo basically KI plus I2 ka. To abhi humne thodi der pehle hi kiya hai ki iodimetry jo hota hai uske andar ye react kar jata hai. To ab yahan pe फाइनली जो हमारे पास में आ जाएगा जो KI है वो रहेगा ही रहेगा और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो NaI हो जाएगा और Na2S4O6 ऑल आर कलरलेस सब्सटेंसेस। तो ये इस टाइप से आ गया। तो ये हमारी एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन का। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ के हमने देखा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू ऑप्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। White precipitate is Zn3FeCN6 2. देखिए अगर इस white precipitate को अगर देखते हैं आप तो white precipitate ठीक है लेकिन इसका formula ठीक नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो आपके पास में K3FeCN6 है इसी के साथ react करा दिया है, लेकिन ये तो एक redox reaction में participate कर रहा है, ये excess में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास में solution होगा इसके अंदर ये exist करेगा, ये जो है exist नहीं करेगा, K3FeCN6 ये सोल्यूशन के अंदर नहीं होगा, ये यूज्ड अप हो चुका है सोल्यूशन के अंदर, इसका प्रोडक्ट नजर आएगा यहां पे। ठीक है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट वाला जो ऑप्शन है कि वाइट प्रेसिपिटेट ये बन रहा है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये बी करेक्ट नहीं हो सकता है। एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार्ट सोल्यूशन गिव्स ब्लू कलर, ये फिल्ट्रेट है। अब इसको अगर हम स्टार्च के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर हम स्टार्च ऐड कर देते हैं या इसको स्टार्च में अगर ऐड कर देते हैं तो देखिए आयोडीन यहाँ पर है आपके पास में, आयोडीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन जब होता है तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ब्लू कलरेशन ड्यू टू द स्टार्च आयोडीन
कॉम्प्लेक्स, ये ब्लू कलरेशन होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है, एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार्ट सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया हमारे पास में, ठीक है, तो सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डालेंगे, तो देखिए ये जिंक का प्रेसिपिटेट है, जिंक का कोई इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, तो इसके अंदर NaOH के अंदर जब ये रहेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2ZnO2, ये सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा सोडियम जिंकेट, और ये यहाँ पे अगेन प्रोड्यूस हो जाएगा Na4FeCn होल सिक्स बन जाएगा, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट जो है एक्सेस ऑफ एल्कली के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, जिंक के सॉल्ट हैं, जिंक के सॉल्ट एक्सेस ऑफ एल्कली के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पे। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर हमें ए सी और डी गिवन है, और हमने भी जो है वो ए सी और डी ही एक्सेप्ट किया कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट NaOH के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो डी भी हमारा एक आंसर तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो लाइट के कॉन्टेक्ट में अगर आता है, ठीक है, या थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंजेस अगर होते हैं तो उसकी वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, सम नाइट्रेट्स गेट डिकम्पोज, और ये जो नाइट्रिक एसिड होगा एज ए मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड है, और कोवलेंटली बॉन्डेड नाइट्रेट जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, तो जैसे ये ऑन स्टैंडिंग अगर हो रहा है तो लाइट की वजह से भी ये रिएक्शन हो सकती है, तो इसमें क्या होगा कि HNO3 जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। HNO3 को हम ऐसे देख लेते हैं कि एक पार्टिकल हमारे पास में, अगर स्ट्रक्चर इसका अगर हम विजुलाइज करते हैं ये इस टाइप से, तो ये जो हमारा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने से NO2 एक रेडिकल टाइप का बन जाएगा। अब यहाँ पे जो ये बनेगा OH वो भी एक रेडिकल टाइप का ही होगा, और वापस से NO2 OH रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो HNO3 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसके दो मोल्स अगर ले लेते हैं तो ये दो मोल से दो NO2 बन जाएगा, इसके भी दो मोल्स से, अब दो OH रेडिकल आ गए, दो OH रेडिकल से एक H2O और एक O2 बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा एक H2O बन जाएगा और हाफ O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इस टाइप से हम रिएक्शन को जनरेट कर सकते हैं। अब आइडिया ये कहां से आया, किस टाइप से हुआ, तो देखो आप नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हो ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस के थ्रू, तो वहां पे हम क्या करते हैं NO2 को वाटर में डालते हैं और ये NO2 जो है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के HNO3 और NO में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब वहां पे वो जो HNO3 है उसके अंदर एक रेडिकल टाइप की स्पीसीज जो है वो छुपी हुई है, तो वो बाहर निकल सकती है, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को हम यहाँ पे, तो ये जस्ट वहाँ से रिलेट करने का हमारा ये आइडिया है इस चीज़ के लिए यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास में आना चाहिए, वो ऑप्शन बी के अंदर गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, ठीक है, तो ये 2012 तक के हमारे क्वेश्चंस हो गए, 2013 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया इस चीज़ के लिए, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।